श्री कृष्ण कथा सुनने का सिर्फ संकल्प मात्र कर लिया। सुश्रु सुविस तत्क्षणात् भागवत कहती है, सुनने का संकल्प मात्र करने से हृदय में श्री कृष्ण आकर के अड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं। टेढ़ी टांग वाले हैं, आते भी मुश्किल से हैं और जाते भी बड़े मुश्किल से। आ गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। किसी बोतल में टेढ़ा चीज घुसा दो तो फिर निकलता नहीं है जल्दी। हमारा भगवान बड़ा टेढ़ा है, तीन जगह से टेढ़ा है। एक बार हृदय में घुस गया, एक बार हृदय में प्रवेश मिल गया तो फिर कभी निकलेगा नहीं। गोपी ध्यान कर रही थी, नारद आए लोमस के साथ। नारद ने पूछा, ये क्या कर रही है गोपी? ध्यान तो तब करते हैं जब भगवान पृथ्वी पर न हो। अभी तो भगवान साक्षात श्री कृष्ण पृथ्वी पर हैं और तुम्हारे इस वृंदावन में है, किसका ध्यान कर रही हो? तो गोपी रोते हुए कहती है, नारद तुम जानते नहीं मैं ध्यान इसलिए कर रही हूं कि कृष्ण हमारे दिल से निकल जाए। और बोले भाई, बोला कृष्ण निकलता ही नहीं, मैं ध्यान इसलिए कर रही हूं कि कम से कम भोजन बनाते समय, सास ससुर की सेवा करते समय तो ये नटखट निकल जाए। ये तो ऐसा अटका है कि एक मिनट नहीं निकलता। न आग जलती है, नमक डालना तो चीनी डाल दे रही हूँ, चीनी डालना तो नमक डाल दे रही हूँ, सास ऊपर से गाली दे रही है, इसलिए आज मैं ध्यान कर रही हूँ। हे गोविंद, दो घंटे मुझे छोड़ दिया कर। बताओ गोपियों की क्या हालत है? गोपियों की हालत ऐसी है कि कृष्ण निकलते नहीं, हमारी हालत ऐसी है कि कृष्ण आते नहीं। क्या उल्टा जिंदगी है हमारा। काश की गोपियों का जीवन हमें भी मिले। और गोपी कहते किसको हैं? गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी, जिसने अपने प्रेम को गोपन कर लिया, प्रदर्शित नहीं किया, दिखाया नहीं। दर्शन और प्रदर्शन दो चीज है, या तो प्रदर्शन होगा या दर्शन होगा। दर्शन पाना चाहते हो तो प्रदर्शन से चूको, क्योंकि यह कथा रोज रोज नहीं मिलेगी। नहीं गुरु जी, हम तो जब चाहेंगे तब करा लेंगे, हो नहीं सकता। श्रीमद् भागवत की कथा न बाहुबल से होती है, न धन बल से होती है, न जन बल से होती है, न मनोबल से होती है, और सुन लो न आत्मबल से होती है। श्री कृष्ण की कथा अगर होती है तो केवल गुरु कृपा बल और कृष्ण कृपा बल से होती है। तो बार बार ये कृपा बल मिल जाए ये संभव नहीं है। बार बार सुनने को मिल जाए ये संभव नहीं है। और इसी अवस्था में सुन ले, मन की ये अवस्था हो, ये भी संभव नहीं है। आज जो अवस्थाएं हैं कल यही रह जाए, ये भी संभव नहीं है। हो सकता है इससे भी अच्छा हो जाए, हो सकता है इससे भी बुरा हो जाए। इसलिए पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट सब कुछ है। इस वर्तमान समय में ही बैठ करके श्री कृष्ण आज आए हैं कथा के रूप में। श्री कृष्ण और राधा आज आए हैं नागपुर के इस पंडाल में कथा के रूप में, तो मैं कल का इंतजार क्यों करूं? आज अगर आए हैं तो आज ही पी लेते हैं, कल देखा जाएगा क्या होगा। और ये भावना से जो कथा सुनने आएगा कि आज की कथा ही मेरे जीवन की अंतिम कथा हो सकती, और हो भी तो सकती है ना, हो भी तो सकती है ना। तुर्की में जब लोग थे तो उनको पता था क्या इतना भयंकर भूकंप आएगा, मरमरा जाएंगे हजारों लोग? ये पता था उनको? भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फूट जाती है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक तुमको पता चलता है अच्छे हंसते खेलते हुए थे, फोर्थ स्टेज का कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि 12 दिन और जियोगे, क्या करोगे बताओ? मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसे ही दिन आए थे, 2000 के पहले डॉक्टरों ने कह दिया 14 दिन तक जियोगे सिर्फ, एक्यूट लीवर सिरोसिस, खत्म, मामला साफ। तब मेरे गुरु का शरीर नहीं था, और भारत के सबसे अच्छे अस्पताल में हम सबसे अच्छे, हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते, 6 महीने तक कुछ नहीं लिया, ग्लूकोज चढ़ाया भी नहीं जा सकता था। पर मेरे गुरु का दिया हुआ एक नियम था मेरे पास, गुरु भोग। प्रतिदिन सुबह उठ करके पहले मैं गुरु भोग निकालता था, कुछ न हो तो हवा देता था हाथों में, हवा बंद किया, हे ठाकुर जी ये आपको भोग लगाया, पकड़। डॉक्टर आते थे, बड़े बड़े सब नर्सेस डॉक्टर, और इंटर्नशिप चलती थी तो युवा डॉक्टर और सब ये होती थी, बच्चियां भी डॉक्टर होती थी, दूर से आके कहते कितना सुंदर लड़का है, मर जाएगा ना, ऐसे ही बोलते। हम गोरे बहुत थे, अंग्रेज फेल थे हमारे सामने, ये तो तुम लोगों ने घुमा घुमा के हमें ऐसे, अभी जैसे 3 घंटा भी घुमा दिया तुमने, अभी 3 घंटा घुमाया ना धूप में हमको, तो 20 साल से घुमा घुमा के हमको ऐसा बना दिया। नहीं, अंग्रेज फेल हो जाए महाराज, हमको पहले देख लो। तो वो डॉक्टर लोग आहें भरते थे, ओहो इतना प्यारा बच्चा, इतना अच्छा आदमी मर जाएगा, हमको चमड़े से थोड़ी अच्छा आदमी बुरा आदमी होता है। और मेरे मन में एक विश्वास रहता था, रात्रि के समय थे, 12-2 बजता होगा, मुझे कुछ खबर नहीं, मैं ऐसे गुरु जो इस शरीर में नहीं थे वहां उपस्थित होते,
मैं भरी जगह पर कहता हूँ या चैनल के ऊपर कहता हूँ, सारी दुनिया सुने इस बात को, उसी शरीर में गुरु आते हैं ऐसे करके धोती पहन के, ऐसे करके देख के कि भापचिस बांग्ला में कहते हैं, बंगाली बोलते हैं, क्या चिंता है, गुरु भोग निकाला कर। देखता हूं डॉक्टर बड़े या ठाकुर बड़े। 14 दिन तक डॉक्टरों ने समय दिया था, 14 दिन अमेरिका भी ले जाएंगे तो 30% चांस है कि ये बचेंगे। और मैं तुम्हें अब बताता हूं, आज पूरे 24 साल हो गए और इसी तरीके से राम की कथा कृष्ण की कथा तुम्हें सुना रहा हूं। 24 साल, 24 ईयर्स, पूरा मेडिकल साइंस कहता है नहीं बचेगा, 14 दिन के अंदर मरेगा, लिवर समाप्त, ट्रांसप्लांट भी उस समय नहीं होते थे, अब ज्यादा होने लगा। 24 साल हो गए साहब जम के कथा कर, ये कहां से आया, कौन देता है, कौन कहता है कि शक्ति नहीं होती, कौन कहता है होता है, आहरण करने की क्षमता चाहिए, पकड़ने की क्षमता चाहिए तुम्हें, है वो देने वाला, तुम लेने वाले तो बनो। हमने गाना सुना था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। आप कहोगे फिल्मों से आप बहुत ज्यादा परिचय रखते हैं, मैं इसलिए रखता हूं कि तुम्हारे यंग जनरेशन के बच्चे फिल्मों से ही परिचय रखते हैं, फिल्म ही देखते हैं। ये तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको भी, क्या चल रहा है तुम्हारे, कितने कितने सब चल रहे हैं, सब टीवी पर सब चल रहे हैं लगातार, वही सब देखते रहते हैं। तुम देखो फिल्म, सुनो गाना, और हम आधे घंटे तुमको आके श्लोक सुनाए, तुमको अच्छा लगेगा, तुम्हारा बात नहीं बनेगा, बल्कि अच्छा वैद्य तो होता है, जब तुम्हारा बच्चा कोई कड़वी दवाई नहीं खाता तो तुम क्या करते बताओ, वैद्य क्या करते हैं, बोला मलाई के साथ खा लेना, गुड़ के साथ खा लेना, और बच्चा जब कोई दवाई नहीं खाता तो क्या करते, लड्डू में भर के दे देते हैं। एक माँ ने दिया बच्चे को लड्डू में भर करके दवाई, बच्चा खा गया, बोला बेटा खा गया, हाँ माँ खा लिया, बोला माँ गुठली निकाल के फेंक दिया था, अरे बोला उसी के लिए तो खिलाई थी, वो गुठली समझ के थूक दिया उसको लड्डू से, बताओ मैया ने लड्डू इसलिए खिलाया था कि दवाई खा ले, बच्चा भी इतना तगड़ा था, लड्डू तो खा लिया, बोला गुठली निकाल दिया, अरे बोला तू मेरा ही बच्चा है, पक्का बहुत बुद्धि है तेरे पास। तो जीवन में हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अगर उनको गाने पसंद हैं तो गानों से परोसो ना, ऐसा लगता है जैसा गाना दूसरी दुनिया से आया हुआ है, सारी दुनिया बॉलीवुड के पीछे भाग रही है, फिल्में देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, दिन रात हाथों में मोबाइल लिए हुए हो, नेटफ्लिक्स चला रहे हो, पता नहीं क्या क्या चला रहे हो, दिन रात वही कर रहे हो, ये दुनिया में तकलीफ कब से आ गई, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। आपका तो लगता है बस यही सपना कि राम नाम जपना, पराया माल अपना,